हमको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कहां पर जाके हम ज्वाइन करें जहां से हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो सके। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। फिजिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स स्वागत है। जो भी स्टूडेंट राजस्थान ऐसे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी टाइम से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर किन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी चाहिए, हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें या ना करें, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज एक वीडियो लेके आया हूं कि भाई किन स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, तो ये हम पूरी बात लेके चलेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि एक आप माइंड अपना सेटअप रखिए ना, आप लाइफ को एक चीज रखिए कि आप स्टूडेंट्स लेवल के ऊपर हो और स्टूडेंट्स में एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरे क्या बोलते 280 नंबर है ओबीसी के अंदर, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जबकि मेरे फिजिकल के अंदर 65 नंबर ही है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आपको ट्राई करना चाहिए अपना बेस्ट, फिर जो होगा वो आगे देखा जाएगा, रिजल्ट देखा जाएगा ना। लेकिन आपको अपनी बेस्ट, आप मेहनत तो करो, आप पहले हार मान लोगे तो फिर तो आप वहीं पे मतलब सब कुछ चीजें खराब हो गई, आपने पहले हार मान ली तो, ठीक है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा टारगेट ऐसा ही 2021 के लिए ये मान के चलो एक सीट तो मेरी पक्की है, अपनी एक सीट फाइनल मान के चलो, और ये थिंकिंग लेते हुए और अपनी पूरी मेहनत के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन लग जाओ इंटरव्यू प्रिपरेशन में, ठीक है। दूसरी बात करें तो जैसे मैंने स्टूडेंट्स को पहले भी बोला था कि जो फीमेल कैंडिडेट है उसने 205 नंबर है ना पेपर में, तो 205 नंबर से जो भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, जिन्होंने पेपर पास किया है, उन सभी स्टूडेंट्स फिजिकल प्रिपरेशन करनी चाहिए। या मेरे पहले वीडियोस में देख लेना, ये चीज मैंने पहले बता रखी थी। अब आप जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं पहले समझ गए होंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने भी 205 नंबर थे और फिजिकल प्रिपरेशन करी है और वो जो फिजिकल लेके आए हैं, तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो इस लेवल का है जो कि नेक्स्ट वैकेंसी निकल राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने बजट घोषणा पत्र में डिक्लेयर करी है। 500 समथिंग पोस्ट है एवरेज, इसके समथिंग आसपास ही है, तो ये पोस्ट निकाली है ना, जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को पूरा करना चाहेगी। तो इसका बेनिफिट इन स्टूडेंट्स को मिला है 205 नंबर, जिनके 206 नंबर है वो कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं ओबीसी और जनरल की। अब जो भी कैंडिडेट फिजिकल देने गए थे और फिजिकल क्वालिफाई किया अच्छे नंबर से, जो 100 में से 90 नंबर लेके आए, तो उनमें माइंड एक साइकोलॉजी की हो गई कि यार फिजिकल तो हम कर लेंगे क्लियर, अब तो पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो एक साइड से तो आप फ्री हो गए ना, पूरा फोकस अब आपका पेपर पर रहेगा। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि यार मेरा तो पता नहीं मैं नंबर आएगा नहीं आएगा, मेरा तो 210 नंबर ही है, मुझे फिजिकल की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, तो वो अब लीडर में क्या रहेगा कि यार कर लेते तो अच्छा रहता, अब मेरी दिक्कत आएगी। अब दोबारा वो एक जो कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट में ना 206 वाले में, वो कॉन्फिडेंस 220 वाले में भी नहीं रहेगा अगर उन्हें फिजिकल देके नहीं आए तो, क्योंकि आपको हर चीज का पता चल गया है किस तरह से इवेंट्स होते हैं, क्या करना होता है वहां पे जाके, कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो सारी चीज आपको समझ में आ गई है उस चीज को, है ना। तो ये बेनिफिट है, यही आपको दोबारा इस टॉपिक में लेके आ रहा हूं कि इस ऐसे के लिए तो आप प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है। दूसरी बात एक और कि जो नेक्स्ट ऐसे की जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर हो चुके, इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, तो लास्ट क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर। तो पूरा फोकस आपको 6 महीने से 8 महीने तक पेपर पे करना है, और फिर कोई भी ताकत आपको ऐसे ही बनने से नहीं रोक सकती। और ये सुनहरा अवसर पहली बार मिला है कि आप कंटिन्यू प्रिपरेशन के अंदर हो, और दोबारा दूसरी वैकेंसी भी बहुत जल्दी आ चुकी है ऐसा की, और उसमें आपको कंटिन्यू रहना है बिना ब्रेक दिए बिना। अगर इस तरह से आप टारगेट लेकर चलोगे तो 101% आप ऐसे ही बन जाओगे, इसमें कोई कुछ भी दोहराए नहीं है। और तीसरी बात अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट मेरे पास फिजिकल करने आते थे तो मैं देखता था कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बोलने नहीं आता था, जैसे हम बोलते भाई कैमरे के सामने बोलना है कुछ, तो वो अपना इंट्रोडक्शन भी सिंपल से नहीं दे पाते, इंट्रोडक्शन अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में उनको ऐसे हिचकिचाते थे, बोलने में शर्म आ रही है, डर लग रहा है। तो ये ऐसे ही स्टूडेंट्स में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, हाँ। और एक पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये चीजें डर वगैरह नहीं बोलना ये चीजें काफी प्रॉब्लम करती है, जिसे हम बेझिझक कैमरे के सामने बोल रहे हैं, तो उस तरह से हर स्टूडेंट के बेझिझक वो कैमरे के सामने बोल सके, इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
तो इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट से कहना है, जो स्टूडेंट्स ने भी फिजिकल क्वालिफाई किया है, पेपर क्वालिफाई है, उन सभी स्टूडेंट्स को जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मार्च से बैच स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च से, 1 मार्च हो, 4 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च, जैसे भी है आपके बैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो सभी स्टूडेंट्स को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने क्लासेस ज्वाइन करनी है और प्रिपरेशन करनी है। आप फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम आ रही है कि हमको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कहां पर जाके हम ज्वाइन करें जहां से हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो सके, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। लेकिन कुछ जो आपको बचना होगा, जैसे कहीं से आपको आपने कॉल किया हो कि सर हम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं इंटरव्यू, हम आगे पास कर सकते हैं क्या, और वो बोल दे कह दे कि अरे हमारे तो बैच ही फुल हो रहे हैं, आप जल्दी एडमिशन लो, 1 या 2 सीट बची है, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पैसे रखना है। ये क्या है, बिजनेस ट्रिक्स होती है जिसमें आपको फंसाया जाता है कि हमारे बैच कंप्लीट हो रहे हैं, आप जल्दी ज्वाइन करो नहीं तो बैच ही नहीं बचेगा। ठीक है, इंतजार करें, प्रॉपर उस कोचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले कि वो किस तरह कोचिंग करा रहे हैं, पिछला इन्फॉर्मेशन भी ले कि पहले जाके देखे जो स्टूडेंट्स जो वहां पर कोचिंग कर रहे हैं वो सेटिस्फाई है क्या, इन सब चीजों को ध्यान में रखे फिर आपको एडमिशन लेना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।